Hello students, so we were doing the section 26 sub clause 1. Uske ek example ko hum karte hain. Let us start with an example. Section 26 sub clause 1 talks about ki kab rectification of instrument ke case ko file kar sakte hain. So aaiye jab koi document apni real intention na show kar raha ho and due to the fraud and mutual mistake of party apne real intention ko na show kar raha ho to koi bhi parties jo hai wo case file kar sakti hai for rectification of instrument by the court. Aaiye dekhte hain example ko. A aur B ek contract karte hain, sale deed karte hain, sale deed banate hain. Wo A jo hai wo B ko apna ghar bechta hai और ए के पास तीन गोडाउन्स भी हैं इस घर के साथ, 1, 2 एंड 3, तीन गोडाउन्स भी हैं. सो ए जो है वो कहता है कि ये तीनों में से कोई ए जो है वो अपने पास ये तीन गोडाउन्स हैं उसके पास और एक घर है, वो बी को बेचना चाहता है. ए का कुछ सामान रखा हुआ है गोडाउन नंबर 1 में और गोडाउन नंबर 2 में थोड़े बहुत सामान रखे हुए, बहुत थोड़े थोड़े से सामान रखे हुए हैं. 3 वाला गोडाउन बिल्कुल खाली है. ए जो है बी को कहता है कि इस घर की सेल के साथ मैं किसी एक गोडाउन को भी आपको दूंगा. तो बी जो है वो एक दूसरे के साथ एक सेल डीड करते हैं. उस सेल डीड में लिखा होता है कि ए ने बी को 10 लाख रुपए में एक घर और एक गोडाउन बेचा है, एक घर और इन तीनों में से कोई एक गोडाउन बेचा है. ये बात सेल डीड में लिखी रहती है, एनी वन ऑफ 3 गोडाउन. अब कुछ दिनों के बाद बी जो है वो घर की पोजेशन ले लेता है और फर्स्ट वाले गोडाउन में जो बहुत थोड़े से सामान रखे हुए थे ए के, उसको बाहर निकाल देता है और फर्स्ट वाले गोडाउन में अपना सामान ले लेता है, फर्स्ट वाले गोडाउन में पोजेशन लगा लेता है. ए जो है वो बी के पास जाता है, कहता है कि मैंने आपको पहला नहीं तीसरा गोडाउन देना था. तो बी कहता है नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई थी, सेल डीड में भी लिखा हुआ है कि मैं तीनों में से कोई भी एक गोडाउन ले सकता हूं. ए कहता है अरे भाई, मेरा पहले वाले दो गोडाउन में थोड़ा सामान रखा हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड गोडाउन ही मैं देना चाहता था. बी कहता है सेल डीड में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था. अब यहां पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया. अब जब यहां कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया तो ए जो है वो कोर्ट में चला गया. ए बिकेम दी प्लेंटिफ. ए जो है वो रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए कोर्ट में चला गया. वैसे तो दोनों में से कोई भी पार्टी जा सकती है, बी भी जा सकता है अपने, क्योंकि उसका भी किसी एक गोडाउन में राइट बनता है और ए का भी राइट बनता है दो गोडाउन में, इसमें के दो गोडाउन में राइट इसका बनता है, पहले गोडाउन में भी बनता है. उसको लग रहा है कि सामान रखा हुआ है इसलिए स्पेसिफिकली लिखने की जरूरत नहीं है. ए जो है वो कोर्ट में जाता है और ये बात कहता है कि ऐसे ऐसे सिचुएशन है, मैं घर बेचा था, इन दोनों में मेरे थोड़े थोड़े सामान रखे हुए थे, मैं इसको थर्ड वाले गोडाउन को देना चाहता था लेकिन इसने फर्स्ट वाले गोडाउन में कब्जा कर लिया है. नाउ यू कैन रेक्टिफाई द इंस्ट्रूमेंट. अब बताइए आप इसमें क्या हुआ. कोर्ट जो है वो ए के केस और बी जो है वो कोर्ट में ये कहता है, जैसे कि हमने पिछले 26(1) में पढ़ा है कि प्लेंटिफ का एक राइट तो राइट अराइज हो ही रहा है, डिफेंडेंट का भी राइट, डिफेंडेंट भी जो है अपनी डिफेंस के साथ रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिमांड कर सकता है कोर्ट के साथ. तो डिफेंडेंट अपने डिफेंस में कहता है कि इसने सेल डीड में ये बात लिखी हुई थी कि एनी वन ऑफ 3 गोडाउन लिखा हुआ था, तो मैंने सबसे पहले वाले गोडाउन को ले लिया, ये बात क्लियर कट लिखी हुई थी. अब यहां कोर्ट चाहे तो मे ऑर्डर दी रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और कोर्ट ये कह सकती है कि या तो ये कह सकती है कि भाई एनी वन ऑफ 3 गोडाउन लिखा हुआ था तो बिल्कुल सही है, बी कोई भी गोडाउन ले सकता है, तो बी ने जो गोडाउन ले लिया वो गोडाउन उसका. या फिर कोर्ट ये भी कह सकता है कि पहले और दूसरे में सामान रखा हुआ था ए का, तो ऑल दो इट इज नॉट क्लियर बाय सेल डीड बट इम्प्लाइडली ये बात आती है, इम्प्लाइडली
ए यही कहना चाहता था कि थर्ड गोडाउन में आपको देता हूं क्योंकि उसने ऑलरेडी उसके फर्स्ट और सेकंड गोडाउन में सामान रखे हुए थे. अगर रखा हुआ था सामान तो इम्प्लाइडली ये बात प्रूफ होती है कि फर्स्ट और सेकंड गोडाउन को वो अपने पोजेशन में रखना चाहता था. तो इन दोनों में से कोई भी बात कोर्ट रेक्टिफाई करके पार्टीज को बता सकती है. आइए आगे बढ़ते हैं. आगे हम करेंगे सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 को, जिसके अंदर ये प्रोवाइडेड है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ऑर्डर कोर्ट कब कर सकती है. सेक्शन 26 सब क्लॉज 1 में हमने देखा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट पार्टीज कब डिमांड कर सकती है. अब हम देखेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट का ऑर्डर कोर्ट कब कर सकती है. सो व्हेन रेक्टिफिकेशन कैन बी डन बाय कोर्ट. सो इफ कोर्ट फाइंड्स आउट दैट, अगर कोर्ट को यह पता लगता है कि दैट थ्रू फ्रॉड और म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज, या तो फ्रॉड के द्वारा या म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज के द्वारा डॉक्यूमेंट इज नॉट शोइंग इट्स रियल इंटेंशन ऑफ पार्टीज, अगर पार्टी जो रियल इंटेंशन उस डॉक्यूमेंट की चाहती थी वो डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है, फ्रॉड या म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ पार्टीज के द्वारा वो डॉक्यूमेंट शो नहीं कर रहा है, देन कोर्ट मे ऑर्डर द रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट. यहां पर ध्यान रखिएगा मे है, कोर्ट कर सकती है, यहां पर डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट है. कोर्ट मे ऑर्डर द रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट. यहां पर एक और बात ध्यान देने वाली है दैट कोर्ट मे ऑर्डर द रेक्टिफिकेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट बट विदाउट इफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पर्सन इफ एनी. अगर किसी थर्ड पर्सन का राइट क्रिएट हो गया है ऑलरेडी तो उसको इफेक्ट नहीं करेगी कोर्ट. कोर्ट विदाउट इफेक्टिंग द राइट्स ऑफ थर्ड पार्टी may order the rectification of such document if document is not showing its real intention by fraud or mutual mistake of any party. अगर कोर्ट को ये बात पता लगती है तो. आइए हम एक एग्जाम्पल करते हैं इसकी. सेक्शन 29 सब क्लॉज 2 के एग्जाम्पल में हम देखते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं इस एग्जाम्पल में देर आर टू डिफरेंट प्लॉट्स, उनके नाम है प्लॉट नंबर 49A एंड प्लॉट नंबर 49D. ये दो प्लॉट और ये दोनों प्लॉट एक है, ये दोनों ही प्लॉट एक है. अब इन दोनों प्लॉट्स को ए जो है वो मॉर्गेज करना चाहता है. तो सबसे पहले वो क्या करता है, ए जो है बी को मॉर्गेज करना चाहता है प्लॉट नंबर 49A. ध्यान से सुनिएगा एक एग्जाम्पल को. ए जो है बी को 49A नंबर जो पहला वाला प्लॉट है इसको मॉर्गेज करना चाहता है, लेकिन जब इनके बीच में मॉर्गेज डीड बनती है, जब एक मॉर्गेज डीड बनती है इनके बीच में, उसमें गलती से 49D लिख जाता है, एट द सेम टाइम ए जो है वो सी से भी मॉर्गेज एक मॉर्गेज कर देता है और सी को वो प्लॉट नंबर, अब उसको ये दिखता है कि मॉर्गेज डीड जो ए और बी के बीच में बनी है इसके अंदर 49D लिखा हुआ है, वो ए और सी, ए जो है वो सी के साथ एक मॉर्गेज डीड और बनाता है, उसमें वो 49A को जो उसे इसे बेचना था, बी को बेचना था, वो सी को बेच देता है, उसने सी को बेच दिया. अब बी जो है वो कोर्ट में रेक्टिफिकेशन करने जाता है, बोलता है इसने कहा तो था कि 49A मुझे बेचेगा लेकिन मॉर्गेज डीड में 49D लिखा हुआ है, इट्स अ म्यूचुअल मिस्टेक, इट्स अ फ्रॉड, ये फ्रॉड का केस लेके जाता है, ये फ्रॉड है, इसने कहा तो था ए देने का लेकिन दिया उसने डी, इसको करेक्ट किया जाए, इसको रेक्टिफाई किया जाए. कोर्ट चाहे तो इसे रेक्टिफाई कर सकती है लेकिन एक कंडीशन जो सेक्शन 26(2) में गिवन है दैट कोर्ट मे ऑर्डर without rectification of instrument, court may order for rectification of instrument without affecting the rights of third party. यहां पर A और C के बीच में जो mortgage हो चुका है 49A का, तो अब C जिसने good faith में ये mortgage deed कर ली है A के साथ plot number 49A की, उसको court deny नहीं कर सकता. So यहां पर कोर्ट रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट को ऑर्डर नहीं कर सकता. हालांकि एक फ्रॉड के अंदर आता है कि उसने कहा तो था ये देने लेकिन ये दे दिया, ये फ्रॉड के अंदर आता है, लेकिन उसको गुड फेथ में अगर उसको किसी थर्ड पर्सन ने राइट एक्वायर कर लिया है उस प्रॉपर्टी पे तो रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता.
लेकिन यहां पर एक और बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये गुड फेथ वाली बात हट जाती है और सी को सी हैज अ नॉलेज ऑफ द मिस्टेक, नॉलेज ऑफ मिस्टेक, ये जो कह रहा है कि ए ने फ्रॉड किया था मेरे साथ, अगर ये मिस्टेक है जो ए ने मिस्टेक की है डॉक्यूमेंट डीड के अंदर, ए देना था डी दे दिया, तो अगर इस बात को सी जानता है तो यहां पर ये माना नहीं जाएगा कि सी ने गुड फेथ में 49A को, प्लॉट नंबर 49A को एक्वायर किया है, तो कोर्ट में ऑर्डर फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और बी को 49A दिला सकता है थ्रू रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये एग्जांपल है सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 का। नेक्स्ट पार्ट में हम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स करेंगे, बहुत ही छोटे थोड़े से पार्ट रह गए हैं वैसे।